दिस वीडियो इज नॉट पावर्ड बाई बिलीबिली कॉमिक्स, क्योंकि आप लोग जाके उनके लिंक पे क्लिक ही नहीं कर रहे हो। स्लाइस ऑफ लाइफ मानुआ के नीचे हेंटाई पढ़ लो कमेंट कर रहे हो यार। प्लीज गाइज, उनके लिंक पे जाओ, एक दो चैप्टर पढ़ के ट्राई करो। मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे शेयर भी नहीं किया होता। वो हमें अराउंड $8 देते हैं पर पोस्ट, जिसकी वजह से इस चैनल के सभी मेंबर्स के इंटरनेट का खर्चा निकलता है। वैसे भी यूट्यूब हमें कुछ खास पे नहीं करता, एट वेरी लीस्ट हमारे इंटरनेट का खर्चा इस तरह से निकल जाता है। तो भाई थोड़ा हेल्प कर दो हम लोग की। हेलो प्लेयर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्स जो वन पीस में एग्जिस्ट करती हैं। देखा जाए तो वन पीस में कई सारे वेरिएशन के शॉर्ट मौजूद हैं, जिसको बहुत सारे शॉर्ट्समैन यूज करते हैं। और आपको खुद पता होगा कि लूफी के वाइस कैप्टन रोरोनोवा ज़ोरो का ये ड्रीम है कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट शॉर्ट्समैन बनना, और ये टाइटल सिर्फ एक ही बंदा इस समय होल्ड करता है, जो है ड्रैकुल मिहॉक, एके वन ऑफ द शिबुकाई। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि वन पीस में काफी सारी कूल शॉर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक और चीज, मैं इस लिस्ट में टॉप 10 शॉर्ट्स के अलावा कुछ ऑनरेबल शॉर्ट्स भी मेंशन किया हूं, जिसको आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे। तो गाइस, मैं हूं एनवी, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो नंबर 10 पर आती है डुरेंडल। डुरेंडल एक मीटो कैटेगरी की सॉर्ड है, जिसे होल्ड करता है कैवेंडिश। अगर आपको नहीं पता कि मीटो कैटेगरी क्या है, तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जो आपको वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगी। डुरेंडल की हाइट एकदम कैवेंडिश के हाइट के बराबर है जब वो बैठता है, और ये काफी फाइन और फ्लेक्सिबल सॉर्ड है। बात की जाए इसकी एबिलिटीज की, तो ये एक फ्लेक्सिबल आयरन से बनी हुई है, जिसकी वजह से नॉर्मल सॉर्ड्स को आराम से क्रश कर देगी। और आप इसकी एबिलिटीज का उसी से अंदाजा लगा लें कि इसने चिंजाओ के हेडबट टेक्निक को भी रोका था, जिसमें ये सॉर्ड सिर्फ थोड़ी सी हुई थी। इससे ये बात तो पता चलती है कि इस सॉर्ड में कमाल की ड्यूरेबिलिटी मौजूद है। हमने इस सॉर्ड को मैक्सिमम ड्रेसरोजा आर्क में देखा होगा, जिसे कैवेंडिश यूज करता है। चलते हैं अगले सॉर्ड की तरफ। तो नंबर 9 पर है वाडो इचिमोंजी। वाडो इचिमोंजी का रोल वन पीस में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, खासकर रोरोनोवा ज़ोरो के साथ, क्योंकि ये रोरोनोवा ज़ोरो की प्राइमरी सॉर्ड है। ये सॉर्ड बिलोंग करती थी क्वीना और उसकी फैमिली को, और ये सॉर्ड 21 ग्रेट सॉर्ड्स की कैटेगरी में आती है। पर क्वीना की डेथ के बाद ज़ोरो ने उसके फादर से रिक्वेस्ट की सॉर्ड की, जिसकी वजह से उसे सॉर्ड मिल गई थी। बात की जाए सॉर्ड की एबिलिटीज की, तो इसे भी उसी लेजेंडरी सॉर्ड स्मिथ ने क्राफ्ट किया है, जिसका नाम है कोजाबुरो। वाडो इचिमोंजी एक बहुत ही पावरफुल सॉर्ड है, और ये बात खुद एक नेवी ऑफिसर ताशगी ने मेंशन किया है। ये सॉर्ड कितनी ड्यूरेबल है, हम इस बात से अंदाजा लगा लें, इस सॉर्ड ने ड्रैकुल मिहॉक के यूरो के साथ कॉम्पीट किया था, जो एक सुप्रीम ग्रेड में आती है। बात की जाए यूरो की, तो उसमें इतनी गजब की पावर है कि वो बड़े बड़े शिप्स और आइसबर्ग को आराम से काट सकती है। और सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसने शुशुई, जो वानो की नेशनल ट्रेजर है, उससे भी कॉम्पीट किया था एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और यहाँ मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, वाडो इचिमोंजी ने दो सॉर्ड्स का जो कॉम्पीट किया था, यूरो और शुशुई, दोनों ब्लैक सॉर्ड हैं। और उस समय वाडो इचिमोंजी हाकी के साथ नहीं यूज की गई थी, सिर्फ एक नॉर्मल सॉर्ड की तरह काम, तो इससे इसकी टफनेस और शार्पनेस के बारे में पता चलता है। ज़ोरो जब भी सांतूरो परफॉर्म करता है, तो वो इस सॉर्ड को यूज करता है। बात की जाए सॉर्ड्स की प्राइस की, तो जब ज़ोरो लॉकडाउन आया था इपुनमासु की दुकान पर, और जब इपुनमासु ने उसके हाथ में सॉर्ड्स देखा था, तो उसने इसकी कीमत कुछ कम में ही बताई थी, क्योंकि उसको लगा था कि ज़ोरो को इस बात का अंदाजा नहीं होगा। हालांकि इपुनमासु धीरे धीरे शॉर्ट्स की कीमत बढ़ाते जा रहा था, ताकि वो शॉर्ट उसे मिल जाए, पर ज़ोरो ने हर बार उसे रिफ्यूज कर दिया। और वहीं तुरंत ताशकी इंटर करती है, जो इस शॉर्ट की कीमत लगभग 10 मिलियन बेरीज बताती है। चलते हैं अगले शॉर्ट्स की तरफ। नंबर 8 पर है निदेई कितेत्सु। निदेई कितेत्सु 21 ग्रेट शॉर्ट्स में आती है, और सारे कितेत्सु शॉर्ट की तरह ये भी एक कर्ड शॉर्ट है, जिसका मतलब ये अपने ओनर को एक दर्दनाक मौत देगी। बात की जाए शॉर्ट की, तो ये फाइनेस्ट ब्लेड है पूरे वर्ल्ड में, और क्योंकि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है सारे कितेत्सु शॉर्ट में, तो इसकी स्ट्रेंथ और शार्पनेस काफी ज्यादा है, ठीक वाडो इचिमोंजी, शुशुई, एनमा, आमेनोहाबे किरी की तरह। एनमे में आपने लूफी को इस शॉर्ट को यूज करते हुए देखा होगा, हालांकि लूफी के पास कोई भी स्किल नहीं थी शॉर्ट को यूज करने की, पर तब भी उसने काफी सारे शॉर्ट्स को काट दिया था इस शॉर्ट्स की मदद से। निदेई कितेत्सु को क्राफ्ट किया है कोटेत्सु ने, जो कि तेनगुआमा हितेत्सु का एंसेस्टर है। आपने इस शॉर्ट को वानो कंट्री आर्क में देखा होगा, और लूफी इस शॉर्ट को बोरो किया था जब वो तामा को एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था। और लूफी जब काइडो के साथ डिफीट हो गया था, तो निदेई कितेत्सु बीस्ट पायरेट के द्वारा ले ली गई थी और उडन में रखी गई थी, पर कीकू ने इस शॉर्ट को वहां से रिट्रीव कर लिया। और हालांकि ज़ोरो को ये बात पता चल गई थी कि ये भी एक मीटो कैटेगरी शॉर्ट है, जो एक फाइनेस्ट ब्लेड में आती है। चलते हैं अगले शॉर्ट की तरफ।
तो वो है रायो। ये सॉर्ड होल्ड करता है श्रियो ऑफ द रेन जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट का एक मेंबर है। रायो एक तरह की नोडाची है, हालांकि ये भी एक मीटो कैटेगरी में आती है। बात की जाए सॉर्ड्स की एबिलिटीज की, तो क्योंकि ये एक मीटो सॉर्ड है और एक ग्रेट सॉर्ड्स में आती है, ये बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल है और खासकर उसको पता चलता है जो इस सॉर्ड को यूज कर रहा हो। आपने खुद देखा होगा श्रियो ने सॉर्ड को यूज किया था उन सारे जेलर्स पर जिसको वो रिलीज किए थे। ये सॉर्ड बहुत ही क्विक है और अपने ओपोनेंट्स को बहुत जल्दी काट देती है। इस सॉर्ड का शेप तो बहुत सिंपल है पर इसकी क्वालिटी बहुत दमदार है। और आपने इसकी पावर मैक्सिमम इंपल डाउन आर्क में देखी होगी जब मैगेलन ने श्रियो को रिलीज किया था ब्लैक बियर पायरेट से डील करने के लिए और रायो उसको वहां दे दी गई थी। चलते हैं अगले सॉर्ड की तरफ, तो वो है ओटो और कोगा राशी। ओटो एंड कोगा राशी एक डबल एज सॉर्ड है जो होल्ड करता है गोल्डन लाइन शिकी। बात की जाए सॉर्ड की अपीयरेंस की, तो उसके ब्लेड काफी ज्यादा लार्ज है और काफी थिन है टिप के पास। बात की जाए सॉर्ड की एबिलिटीज की, तो जो भी सॉर्ड को यूज करता है उसको खुद पता है कि सॉर्ड में कितना दमदार स्ट्रेंथ मौजूद है। इस सॉर्ड में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये मरीन फोर्ट के काफी ज्यादा सोल्जर्स को एक साथ मार सकती है। और शिकी ने इस सॉर्ड के साथ ही गोल्डी रॉजर, मंकी डे गार्प और सेनगोकु को चैलेंज किया था, तो इस बात से आप इस सॉर्ड का स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। बात की जाए सॉर्ड की हिस्ट्री की, तो शिकी सॉर्ड को यूज करता था एक रेगुलर बेसिस की तरह और वो काफी सारे सोल्जर्स को मार भी डाला था। पर गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन से पहले उसने मंकी डी गार्प और सेनगोकु इसी ब्लेड के साथ चैलेंज किया था, पर वो ये चैलेंज हार गया था और ये सॉर्ड उससे ले ली गई थी जो इस समय मौजूद है इंपेल डाउन के लेवल 6 पर। और जब शिकी इंपेल डाउन आग से भाग रहा था तो उसने अपने पैर की कुर्बानी दे दी थी और अपने दोनों पैर की जहाँ इसने ओटो और कोकाशिरी लगा लिया था जो एक पैर और एक खतरनाक सॉर्ड की तरह भी काम कर रही थी। चलते हैं अगले सॉर्ड की तरफ, तो नंबर 5 पर है शुशुई। तो ये 1 of the 21 ग्रेट सॉर्ड की कैटेगरी में आती है और ये एक ब्लैक सॉर्ड है और इसे वील्ड करता था लेजेंडरी समुराई रियुमा, पर उसके डेथ के बाद इस सॉर्ड को उसी के साथ दफना दिया गया था। हालांकि 23 साल पहले गिक्को मोरिया ने उसकी कब्र से यह तलवार चुरा ली थी। बात की जाए इस शिशुई की, तो ये वानो कंट्री का नेशनल ट्रेजर भी है। आपने खुद रूमा को एज ए जॉम्बी थ्रिलर बार्क में देखा होगा और उसने फाइट की थी रोरनवा जोरो के साथ, पर जोरो के साथ फाइट में हारने के बाद उसने शिशुई को और फिर जोरो की ये सेकेंडरी सॉर्ड बन गई। बात की जाए सॉर्ड्स की एबिलिटीज की, तो क्योंकि ये 21 ग्रेट सॉर्ड्स में आती है, ये 1 of the finest सॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में। और क्योंकि ये वानो कंट्री का नेशनल ट्रेजर भी है और इसे होल्ड करता लेजेंडरी समुराई रियुमा, तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि इस सॉर्ड की कितनी ज्यादा अहमियत है पूरे वन पीस में। और एक और रीजन है कि ये सॉर्ड इतनी पावरफुल क्यों है, तो वो है इसका ब्लैक ब्लेड। जोरो ने जब तक एनमा नहीं देखा था वो हमेशा यही बिलीव करता था कि ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल सॉर्ड है और जिससे वो बीस्ट पायरेट और काइडो को आराम से डैमेज दे सकता है। जब जोरो सुशुई को होल्ड करता था तो उसने ये बात खुद क्लेम की थी कि ये सॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर डायनासोर भी सॉर्ड पे स्टेप कर जाएगा तो ये सॉर्ड एक भी मिलीमीटर बेंड नहीं होगी। इस सॉर्ड ने ओट्स के पंच को भी डिफ्लेक्ट कर दिया था और ये सॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने नेपच्यून के जायंटिक ट्राइडेंट को भी डिफेंड किया था। हालांकि जोरो को ये सॉर्ड रिटर्न करनी पड़ी थी वानो कंट्री को, क्योंकि वानो कंट्री का नेशनल ट्रेजर था और उसके बदले उसे मिली थी एनमा। चलते हैं अगले सॉर्ड की तरफ, तो ये काफी लेजेंडरी सॉर्ड है, तो इसका नाम है आमेनो हाबाकेरी जो व्हाइट सॉर्ड ऑफ ओट हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर और एनमा जो पर्पल सॉर्ड ऑफ ओडन थी। हम इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आमेनो हाबाकेरी, तो आमेनो हाबाकेरी 21 ग्रेट सॉर्ड्स में आती है। इसे वील्ड करता था कोजुकी ओडन और उसके साथ वो एक और वेपन रखता जिसका नाम था एनमा, और यही दोनों वेपन जिसने काइडो को इंजर किया था अंटिल टुडे। पर ओडन के डेथ के बाद ये सॉर्ड ट्रांसफर हो गई उसके बेटे कोजुकी मोमोनोस्के को। बात की जाए इस सॉर्ड की एबिलिटीज की, तो ये एक बहुत बड़ी मास्टरपीस है तेनगोमा हितेत्सु की जो वानो कंट्री के एक बहुत ही ग्रेटेस्ट सॉर्ड स्मिथ थे। आमेनो हाबाकेरी इतनी ज्यादा पावरफुल है जब वो एनमा के साथ यूज होती है कि इसने काइडो को एक परमानेंट स्कार दे दिया था, और इसके क्रिएटर ये बात खुद बताते हैं कि इससे हेवन तक काटा जा सकता है। आमेनो हाबाकेरी के अंदर एक गजब का ट्रेमेंडस पावर और शार्पनेस है, और 40 साल पहले जब एनमा के साथ ये सॉर्ड यूज की थी ओडेन ने, तो उसने एक माउंटेन साइड बीस्ट को दो पार्ट में काट दिया था जो वहां का माउंटेन गॉड माना जाता था एक सिंगल स्लैश में। ओडेन इस सॉर्ड को हार्डन करने के लिए इसमें यूज करता था बोशेशुको हाकी जो वानो कंट्री में रू के नाम से फेमस है। आप इस सॉर्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा उसी से लगा सकते हैं कि इस सॉर्ड ने क्लैश किया है मोराकोमो गिरी जो 1 of the 12 सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड्स में आती है। बात की जाए एनमा की, तो एनमा भी 1 of the 21 ग्रेट सॉर्ड्स की कैटेगरी में आती है जिसे अब पजेस करता है रोरोमा जोरो एस 1 of the 3 ब्लेड। बीस साल पहले तक इसे होल्ड करता था कोजुकी ओडेन साथ में आमेनो हाबाकेरी, और यही दो वो सॉर्ड थे जिसने काइडो को इंजर किया था। पर काइडो के डेथ के बाद
Dorime, interimo ad appare dorime, a meno, bosrike, oh, dorime, madarcio, randi vale chutmarike, madarcio. एनिमा इनहेरिट हो गई उसके डॉटर कोजुकी ह्यूरी पर। कोजुकी ह्यूरी ने इस सॉर्ड को जोरो को दे दिया क्योंकि जोरो के पास थी शुशुई जो वानो की नेशनल ट्रेजर थी, उसके बदले इसने इस सॉर्ड को एक्सचेंज कर दिया। बात की जाए सॉर्ड की एबिलिटीज की तो इसे भी उसी लेजेंडरी सॉर्ड्समैन ने क्राफ्ट किया जिसने वाडो इचिमिंजी को क्राफ्ट किया था, जिसका नाम है कोजाबुरो। तेंगुआमा हितेसु ने खुद बताया कि इस सॉर्ड से बॉटम ऑफ द हेल तक काटा जा सकता है। आमिनो हाबाकिरी के जैसे ये सॉर्ड भी मोराकोमो गिरी के साथ कॉम्पीट कर चुकी है। इसके अंदर एक गजब का ट्रेमेंडस पावर है, जो भी बंदा इस सॉर्ड को यूज करता है एनिमा उनके अंदर से हाकी खींच लेती है, और अगर वो बंदा हाकी के काबिल नहीं है तो उसकी हालत खराब हो जाती है इस सॉर्ड को होल्ड करने में। जोरो ने जब इस सॉर्ड को पहली बार अपने हाथ में लिया था तो वो इसके हाथ से हाकी स्ट्रैट करने लगी थी, और गलती से जोरो ने पूरा क्लिफ ही काट दिया था, वो पेड़ काटने जा रहा था। और जोरो दूसरा ऐसा बंदा है जिसने इस सॉर्ड पर कंट्रोल किया है ओडन के बाद। कितोसु खुद ये बात मेंशन करता है कि अगर जोरो एनिमा को एक परमानेंट ब्लैक ब्लेड बना देता है तो इस सॉर्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो एक सुप्रीम ग्रेड सॉर्ड की कैटेगरी के अंदर आ सकती है। तो अभी हमारे लिस्ट में 3 सॉर्ड बचा हुआ है जो टॉप 3 में आता है, और उसके अलावा मैं आपको कुछ हॉनरेबल सॉर्ड्स मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले शोदई कितेत्सु। जितनी भी कितेत्सु सॉर्ड फॉर्ज हुई थी उन सब में सबसे पहले यही वाली सॉर्ड फॉर्ज हुई थी, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है उन तीनों कितेत्सु सॉर्ड्स के ऊपर। बात की जाए इस सॉर्ड की तो ये 1 of the 12 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड है पूरे इंटायर वन पीस सीरीज में। इस सॉर्ड को किसने फॉर्ज किया ये अभी तक हमें नहीं पता चला है, पर मोस्टली यही चांसेस है कि 1 of the हितेत्सु फैमिली ने इस सॉर्ड को बनाया है। शोदई कितेत्सु अपने सारे सॉर्ड्स की तरह ही कर्स है और उन सबसे ज्यादा पावर रखती है, और इस सॉर्ड को होल्ड करता है 1 of the 5 elders। बात की जाए सॉर्ड की पावर की तो इसमें गजब का पावर एंड स्ट्रेंथ है। ये काफी मैग्निफिशेंट ब्लेड है जिसको कंपेयर कर सकते हैं मिहॉक के यूरो, व्हाइट बियर्ड के मुराकोमो गिरी के साथ। चलते हैं अगले हॉनरेबल सॉर्ड की तरफ, तो वो है ग्रिफन, और इसे होल्ड करता है अकागामी नो शंक्स जो 1 of the योंकूज है। बात की जाए सॉर्ड की एबिलिटीज की तो इस सॉर्ड में गजब की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है, और ये सॉर्ड इतनी ज्यादा केपेबल है कि ये व्हाइट बियर्ड के नागिनाटा द मुराकोमो गिरी के साथ आराम से क्लैश कर सकती है जो 1 of the 12 सुप्रीम ग्रेड में आती है। और जब आप इसको हाकी के साथ यूज करेंगे तो ये साकाजुकी के मंगमा फिस्ट को भी ब्लॉक कर सकती है, जिसको आपने मरीन फोर्ड आर्क में देखा होगा। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉप 10 वाली लिस्ट में, तो नंबर 3 पर आती है एस। इस सॉर्ड को होल्ड करते हैं किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर, और ये उनकी एक प्राइमरी वेपन थी। इसकी रैंकिंग आती है 1 of the 12 सुप्रीम ग्रेड मीटो के अंदर। बात की जाए सॉर्ड की एबिलिटीज की तो क्योंकि ये 1 of the 12 सुप्रीम ग्रेड मीटो की कैटेगरी में आती है, ये मोस्ट पावरफुल वेपन जो अभी तक बनी हुई है। और क्योंकि इसे होल्ड करते थे किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रॉजर, अपने पूरे लाइफ स्पैन के टाइम में उसने काफी समय सॉर्ड को यूज किया है एक काफी अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स के साथ। बात की जाए गोल्ड वैली इंसिडेंट की और व्हाइट बियर्ड के साथ जब उन्होंने क्लैश किया था, जहां हमें पता चलता है इस सॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी कितने ज्यादा है। रॉजर जब भी सॉर्ड को यूज करता था तो वो इसमें इम्ब्यूट करता था बोशेशुको हाकी और हाउ शुको हाकी। और 38 साल पहले गोल्ड वैली इंसिडेंट में रॉजर ने इस सॉर्ड को यूज किया था रॉक पायरेट्स के खिलाफ, और आपको तो वो फाइट याद ही होगी जो लगभग 4 दिन चली थी, जब गोल्ड रॉजर ने व्हाइट बियर्ड प्राइम के साथ कॉम्पीट किया था। रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि एस सॉर्ड का अभी तक हुआ क्या, क्योंकि उसकी लोकेशन अभी पूरी अननोन है पूरे वन पीस सीरीज में। चलते हैं नंबर 2 पर, तो वो और कोई नहीं बल्कि मुराकोमो गिरी है। मुराकोमो गिरी एक नागिनाटा टाइप की सॉर्ड है जो 1 of the 12 सुप्रीम ग्रेड की कैटेगरी में आती है। इसे होल्ड करते थे एडवर्ड न्यूगेट, यानी कि शुरू हो गए कैप्टन ऑफ द व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एके एम्परर ऑफ द सी। व्हाइट बियर्ड्स ने इस सॉर्ड को लगभग 30 साल से ज्यादा यूज किया, जब तक उनकी डेथ तक नहीं हो गई। बात की जाए सॉर्ड्स की एबिलिटीज की तो क्योंकि 12 सुप्रीम ग्रेड की कैटेगरी में आती है, ये मोस्ट पावरफुल सॉर्ड है जो अभी तक बनी हुई है। और क्योंकि इसे यूज करते थे व्हाइट बियर्ड जो 1 of the स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं पूरे वन पीस यूनिवर्स में, ये सॉर्ड इतनी ज्यादा केपेबल है कि इसने क्लैश किया है कोजुकी ओडन के डुअल सॉर्ड एनमा और आमिनो हाबाकिरी के साथ, संक्स के सेबर ग्रिफोन के साथ, जिसमें बादल तक फट गए थे। व्हाइट बियर्ड जब भी सॉर्ड को यूज करते थे वो दोनों हाथ में रख कर इस सॉर्ड को यूज करते थे, हालांकि आपने मैक्सिमम टाइम इस सॉर्ड को उनके राइट हैंड में देखा होगा, और लेफ्ट हैंड से वो अपनी डेविल फ्रूट पावर को इस सॉर्ड में इन्फ्यूज करते थे। जब इस सॉर्ड को उनके डेविल फ्रूट पावर और बोशेशुको हाकी के साथ यूज किया जाता था तो इस सॉर्ड की डैमेज और ज्यादा बढ़ जाती थी, इसमें सामने वाले ओपोनेंट की हालत खराब हो जाती थी। इस सॉर्ड में गजब की इमेंस ड्यूरेबिलिटी मौजूद है जिसने अकाइनू के मैग्मा को भी रोक दिया था बिना मेल्ट हुए, और इस सॉर्ड को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ था। हालांकि व्हाइट बियर्ड के डेथ के बाद उनके कब्र के पास ही इस सॉर्ड को प्लेस कर दिया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पर आती है योरू। योरू 1 of the स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में, और क्योंकि ये 1 of the 12 सुप्रीम ग्रेड में आती है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि एक और रीजन है इसकी पावरफुल होने का,
करूंगा क्योंकि ये एक ब्लैक ब्लेड भी है। इसे होल्ड करते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड, एके वन ऑफ द सेवन वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। बात की जाए सॉर्ड की एबिलिटीज की तो ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड है, और क्योंकि इसे यूज करते हैं मिहॉक, इस सॉर्ड में गजब का इमेंस पावर है जिससे आराम से बड़े बड़े स्ट्रक्चर काटे जा सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कि मरीन फोर्ड आर्क में एक सिंगल स्लाइस में पूरा माउंटेन आइस कट गया था। मरीन फोर्ड आर्क में जब मिहॉक इस सॉर्ड को यूज कर रहा था तो कभी कभी ग्रीनिश एनर्जी वेव्स निकल रही थी जो एक कंप्रेस्ड शॉक वेव्स होती हैं जो 100 मीटर्स के दायरे में अपने एनिमी को स्लाइस कर देती हैं। इस सॉर्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और जब भी मिहॉक इसे यूज करता है वो इसे अपने दोनों हाथ में रखकर यूज करता है। इस सॉर्ड से आराम से एक बड़े बड़े शिप एक सिंगल स्लाइस में काटे जा सकते हैं। पूरे वन पीस में जितने भी सॉर्ड हैं वो इस सॉर्ड से कम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक परमानेंट ब्लैक सॉर्ड है। मिहॉक इस सॉर्ड को अपने एज ए प्राइमरी वेपन यूज करता है, और इस सॉर्ड के बारे में क्या बताऊं, आप इतना जान लीजिए कि इससे ज्यादा पावरफुल सॉर्ड अभी तक वन पीस में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये थी मेरी वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड इन वन पीस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई, शेयर करें इस वीडियो को अपने वन पीस फैन के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आप अगली कौन सी टॉप 10 वीडियो देखना चाहेंगे। और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी फैमिली में आ जाए और ऐसे गजब से ऑसम कंटेंट एंजॉय कर पाएं। So till the next video, play on.